बड़े गुस्से से मैं घर से चला आया। इतना गुस्सा था कि गलती से पापा के जूते पहन के निकल गया। मैं आज बस घर छोड़ दूंगा और तभी लौटूंगा जब एक बड़ा आदमी बन जाऊंगा। जब मोटरसाइकिल नहीं दिलवा सकते थे तो क्यों इंजीनियर बनाने के ख्वाब देखते हैं। आज मैं पापा का पर्स भी उठा लाया था जिसे किसी को हाथ तक नहीं लगाने देते थे। मुझे पता है इस पर्स में ज़रूर पैसों के हिसाब की डायरी होगी। पता तो चले कितना माल छुपा है, माँ से भी इसे हाथ नहीं लगाने देते किसी को। जैसे ही आम रास्ते से सड़क पर आया मुझे लगा जूतों में कुछ चुभ रहा है। मैंने जूता निकाल कर देखा, मेरी एड़ी से थोड़ा सा खून रिस रहा था। जूते की कोई कील निकली हुई थी। दर्द तो हुआ पर गुस्सा बहुत था और मुझे जाना ही था घर छोड़कर। जैसे ही कुछ दूर चला मुझे पाँव में गीला गीला सा लगा। सड़क पर पानी फैला हुआ था। पाँव उठाकर देखा तो जूते की तली फटी हुई थी। जैसे तैसे लंगड़ाकर बस स्टॉप पर पहुंचा। पता चला कि एक घंटे तक बस नहीं आएगी। मैंने सोचा क्यों ना पर्स की तलाशी ली जाए। मैंने पर्स खोला, एक पर्ची दिखाई दी। लिखा था, लैपटॉप के लिए 40,000 कर्जे लिए। पर लैपटॉप तो घर में मेरे पास था। दूसरा एक जोड़ मुड़ा देखा, उसमें उनके ऑफिस की किसी शौक डे का लिखा था। उन्होंने शौक लिखा था अच्छे जूते पहनना। ओ अच्छे जूते पहनना, पर उनके जूते तो माँ गुज़िश्ता 4 माह से हर पहली को कहती है नए जूते ले लो, और वो हर बार कहते अभी तो 6 माह जूते और चल जाएंगे। मैं अब समझा कितने चल जाएंगे। तीसरी पर्ची, पुराना स्कूटर दीजिए, एक्सचेंज में नई मोटरसाइकिल ले जाएं। पढ़ते ही दिमाग घूम गया, पापा का स्कूटर। ओह, मैं घर की तरफ भागा। अब पाँव में वो कील नहीं चुभ रही थी। मैं घर पहुंचा, ना पापा थे न स्कूटर। नहीं, मैं समझ गया कि कहाँ गए। मैं भागा और एजेंसी पर पहुंचा। मैंने उनको गले से लगा लिया और आंसुओं से उनका कंधा भीग गया। नहीं पापा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए मोटरसाइकिल, बस आप नए जूते ले लें। और अब मुझे बड़ा आदमी बनना है, वो भी आपकी तरीके से। हाँ, एक ऐसी बैंक है जहाँ आप हर एहसास और दुख जमा कर सकते हैं। पापा, एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसके पास बैलेंस ना होते हुए भी हमारे ख्वाब पूरे करने की कोशिश है। अल्लाह पाक हम सबको माँ बाप का फरमाबरदार बनाए। आमीन सुमामीन। हाँ, एक ऐसी बैंक है जहाँ आप हर एहसास और दुख जमा कर सकते हैं। पापा, एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसके पास बैलेंस ना होते हुए भी हमारे ख्वाब पूरे करने की कोशिश है। अल्लाह पाक हम सबको माँ बाप का फरमाबरदार बनाए। आमीन सुमामीन। बाप के आंसू तुम्हारे दुख से ना गिरे, वरना अल्लाह तुमको जन्नत से गिरा देगा। बाप दुनिया का वो वाहिद शख्स है जो खुद से ज़्यादा आपको कामयाब देखना चाहता है।
वालिद चाहे कितना ही बूढ़ा हो, घर का सबसे मजबूत सुतून होता है। वालिद का सख्त अंदाज और माँ का नर्म लहजा हमारे माशरे में घर के माहौल को मुतदिल और मुतवाजन रखता है। बाप का हुक्म मानो ताकि खुशहाल हो सको। बाप एक जिम्मेदार ड्राइवर है जो घर की गाड़ी को अपने खून से चलाता है। बाप अल्लाह की सिफात रुबूबियत का मजहर है और अल्लाह की रहमत का साया है। बाप एक किताब है जिस पर तजर्बात तहरीर होते हैं, उसे अपने से दूर मत करना। बाप जन्नत के दरवाजों में से बेहतरीन दरवाजा है। अब तुम्हें इख्तियार है, हाँ नफरमानी और दिल दुखा कर इस दरवाज़ा को बंद कर दो या फरमाबरदारी और खिदमत करके इस दरवाज़ा की हिफाजत कर लो। असल तो ये है कि बाप की तरह कोई नहीं हो सकता।